नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना का उठाए लाभ, रजिस्टर कराए कमरे और पाए 2.5 लाख ऋण, ब्याज राशि चुकाएगी सरकार। बिहार में 1000 नए पुल बनाएगी केंद्र सरकार, 10,000 किलोमीटर रोड की होगी मरम्मत, ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी विकास की नई राह। सक्षमता परीक्षा पास, शिक्षक दे ध्यान, 36,000 नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों में हुई त्रुटियों को सुधारने का मिलेगा मौका। शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। मीडिया रिपोर्ट्स पर सुदीप लांडे का स्पष्टीकरण, कहा किसी पार्टी से जुड़ने का नहीं है इरादा, फेसबुक पोस्ट पर लिखकर लगाया अटकलों पर विराम। और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज, पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में खेला जा रहा है मैच, टीवी पर टिकी सबकी निगाहें। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने बिहार के ग्रामीण इलाकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 1000 क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण में मदद करेगी। इसके साथ ही 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत का भी भरोसा दिया गया है। बीते दिन दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। बता दें कि बिहार सरकार ने इस बैठक में प्रस्ताव रखा कि लगभग 1000 क्षतिग्रस्त पुलों की जगह नए पुलों का निर्माण किया जाए, साथ ही नवसर्जित कटाव के कारण प्रस्तावित पुलों का निर्माण भी किया जाए। इसके अलावा 7209 बसावटों को PMGSY4 में शामिल करने का भी विचार किया जा रहा है। बिहार में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 36,000 नियोजित शिक्षकों को आधार नंबर और प्रमाण पत्रों में हुई त्रुटियों को सुधारने का मौका मिलने जा रहा है। शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बीते दिन माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में त्रुटियों की सूची बनाने पर सहमति बनी। दरअसल काउंसलिंग के दौरान शिक्षक को द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के मिलान में असफलता के कारण लगभग 36,000 शिक्षकों की काउंसलिंग अधूरी रह गई, जिसके बाद सुधार के लिए शिक्षकों ने आवेदन भी दिया था। अब विभागीय अधिकारियों का मानना है कि शिक्षकों को त्रुटि सुधार का अवसर प्रदान करने के लिए बिहार बोर्ड के पोर्टल को खोला जाएगा। विभाग का साफ फैसला है कि काउंसलिंग पूरी होने के बाद ही नियोजित शिक्षकों को नए सिरे से पदस्थापित किया जाएगा, इसके बाद ही इन्हें सरकारी शिक्षक का दर्जा मिलेगा। बिहार में बाढ़ के हालात बन रहे हैं। बता दें बिहार की नदियां उफान पर हैं। गंगा, घाघरा, गंडक और पुनपुन समेत कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। इसके कारण पटना, सारण, भोजपुर, बक्सर और भागलपुर जैसे जिलों में आवागमन प्रभावित हो रहा है। पटना में दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में गंगा पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सारण में स्थिति और भी खराब है। गंगा और घाघरा का जलस्तर बढ़ने से शहर में पानी घुस गया है। इससे यूपी सीमा पास NH31 ध्वस्त हो गया है, जिसके कारण सारण और यूपी से सड़क का संपर्क टूट गया, लोग पलायन कर रहे हैं। गंडक और पुनपुन का जलस्तर भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे 5 प्रखंडों की फसलें डूब गई हैं। वहीं छपरा में मंदिर की दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत का भी मामला सामने आया है। जिला प्रशासन राहत काम में जुटा हुआ है और प्रभावित लोगों को शिविरों में भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की शुरुआत कर दी है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री होम स्टे योजना। इस योजना के तहत राज्य के निवासी अपने घरों में पर्यटकों को ठहराने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। पर्यटकों को ठहराने के लिए घरों के मालिक 1 से 6 कमरों को रजिस्टर करवा सकते हैं। ये योजना पहले चरण में 15 जिलों के 28 पर्यटन स्थलों पर लागू होगी। चयनित व्यक्तियों को प्रति कमरे अधिकतम 2.5 लाख रुपये का ऋण मिलेगा, जिसकी ब्याज है सरकार चुकाएगी। इस प्रकार न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय निवासियों को भी इसका लाभ मिल पाएगा।
बीते दिन एनआईए ने नक्सली संगठनों से जुड़े मामले में बिहार के गया भभुआ में छापेमारी की थी। इस कार्रवाई में जेडीयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को हिरासत में लिया गया है। एनआईए ने बताया कि मनोरमा देवी के घर से भारी मात्रा में नगद, हथियार और कई डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार कुल 4,03,00,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। वही इस मामले पर मनोरमा देवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जो रुपए छापेमारी के दौरान जब्त किए गए हैं, वे बैंक से लोन लिए गए थे, उसका पूरा हिसाब किताब उनके पास है। वही हथियार के बारे में उन्होंने कहा कि हथियार हमारे गार्डों के हैं, उसके भी कागजात हमारे पास मौजूद हैं। बिहार पुलिस विभाग ने 11 डीएसपी का तबादला कर दिया है। बता दें कि सीआईडी के डीएसपी कृष्ण कुमार सिंह को पीरो का नया एसडीपीओ बनाया गया है। वही बिहार पुलिस अकादमी के डीएसपी अमित कुमार को इमामगंज की जिम्मेदारी दी गई है। नालंदा के ट्रैफिक डीएसपी सुनील कुमार सिंह को नालंदा का नया डीएसपी नियुक्त किया गया है। वही अब तक नालंदा के एसडीपीओ रहे प्रदीप कुमार को मोहनिया एसडीपीओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पीरो के एसडीपीओ रहे राहुल सिंह को एसटीएफ डीएसपी, जबकि इमामगंज के एसडीपीओ अमित कुमार को पटना का नया ट्रैफिक डीएसपी बनाया गया है। बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम जारी है, लेकिन इस दौरान भ्रष्टाचार और घुसखोरी की कई शिकायतें सामने आ रही हैं। इसी बीच पट्टा में अंचलाधिकारियों की एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सभी सीओ से नैतिकता की अपील की है। उन्होंने कहा कि आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, आपके किसी निर्णय से किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिन 4 सितंबर को ही सिवान के महाराजगंज डीसीएल रामरंजन सिंह को पटना निगरानी टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। वही बीते 14 सितंबर को भी रोहतास जिले के दिनारा चकबंदी कार्यालय में प्रभारी प्रधान लिपिक को रिश्वत मांगने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया, जिसका वीडियो बक्सर के सांसद ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। अगर आप पितृपक्ष पर गया जा रहे हैं तो ये खबर ध्यान से सुन लीजिएगा। पितृपक्ष मेले को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रही है। जो ट्रेनें चल रही हैं, बता दें कि ट्रेन संख्या 01667 रानी कमलापति गया 16 सितंबर से 4 यात्राएं कर रही हैं, जबकि ट्रेन संख्या 01668 गया रानी कमलापति जो बीते 19 सितंबर से 3 यात्राएं कर रही हैं। ये विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में विदिशा, गंजबा, सौदा, बीना, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, छिवकी, मिर्जापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, डेहरी ऑन सोन और अनुग्रह नारायण रोड स्टेशनों पर रुकते हुए गया जा रही है। तो अगर आप भी इस पितृपक्ष पर गया जा रहे हैं तो स्पेशल ट्रेन से गया पहुंच सकते हैं। पूर्णिया के डीआईजी श्रीदीप लांडे ने राजनीतिक दलों से जुड़ने की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। आईजी श्रीदीप लांडे ने अपने फेसबुक पोस्ट पर स्पष्ट लिखा है कि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनके किसी राजनीतिक दल से जुड़ने की बात कही जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा है कि ना तो उनकी किसी पार्टी से बात हुई है और ना ही वे किसी पार्टी से जुड़ने का इरादा रखते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सर्वप्रथम मैं पूरे दिल से सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि कल से मुझे जो प्यार और प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है वे मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे कल के त्याग पत्र के बाद से कुछ मीडिया वाले इस संभावना को तलाशने में लगे हैं कि शायद मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने जा रहा हूं। मैं इस पोस्ट के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूं कि मेरी ना किसी राजनीतिक पार्टी से कोई बात हो रही है और ना ही किसी पार्टी के विचारधारा से मैं जुड़ने जा रहा हूं। कृपया कर मेरे नाम को किसी के साथ जोड़कर नहीं देखें। बिहार में गंगा नदी ने एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज उफनती गंगा का हवाई सर्वेक्षण किया। पटना से हेलीकॉप्टर के माध्यम से गंगा के किनारे क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने भी उनका साथ दिया। विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना में सभी प्रमुख स्थलों पर खतरे के निशान से 1 मीटर या उससे भी अधिक बढ़ चुका है। पटना के दीघा घाट गंगा का जलस्तर 51.52 मीटर रिकॉर्ड किया गया है, जबकि खतरे का लेवल 50.45 मीटर है। गांधी घाट पर भी स्थिति चिंताजनक है, जहां जलस्तर 50.14 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि खतरे का लेवल जो है 48.50 मीटर है। पूर्वी पटना के हाथीदह में भी गंगा का जलस्तर 43.07 मीटर है, जो खतरे के स्तर से करीब 1.31 मीटर अधिक है।
काली कमाई के आरोपों के बीच संजीव हंस पर बेनामी संपत्तियां खरीदने का गंभीर आरोप लगा है। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि उन्होंने पंजाब के मोहाली में एक व्यवसायिक भूखंड और हिमाचल प्रदेश के कसौली में एक विला खरीदा है। विशेष निगरानी इकाई द्वारा दर्ज FIR में उल्लेख है कि मोहाली के IT सिटी में 500 वर्ग यार्ड का ये भूखंड 31 अगस्त 2020 को 92,50,000 रुपए में खरीदा गया था। इस संपत्ति की खरीद में संजीव हंस की पत्नी की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है, जिन्होंने इस भूखंड के लिए चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया है। जल संसाधन विभाग में तैनाती के दौरान कमीशन के भी उन पर आरोप लगे। मुजफ्फरपुर में पताही हवाई अड्डे के विस्तार की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, जो क्षेत्र के विकास में एक नई राह खोलेंगे। हाल ही में केंद्रीय बजट में इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए धन आवंटित किया गया है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यहां से हवाई उड़ानें जो है शुरू हो जाएंगी। इस विस्तार के तहत हवाई अड्डे के आधे हिस्से में एक फ्लाइंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, जो नए पायलटों को प्रशिक्षण देने में सहायक होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इसे सिविल विमानन निदेशालय को सौंप दिया गया है। हवाई अड्डे के विस्तार के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण भी किया जा रहा है। इसके अलावा हवाई अड्डे और उसके आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और चारदीवारी को दुरुस्त करने का भी सुझाव दिया गया है। ईडी ने अग्रणी होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई की है। ईडी ने इस कंपनी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पटना की विशेष अदालत में दर्ज इस मामले में ईडी ने 6 कंपनियों और 4 निदेशकों को नामजद अभियुक्त बनाया है। आरोप है कि इन कंपनियों ने घर खरीदारों से जालसाजी और ठगी की है। आरोपियों में आलोक कुमार सिंह और राणा रणवीर सिंह, मेसर्स इंडन्स वेंचर के मालिक विजय राजलक्ष्मी और अलका सिंह को भी नामजद किया गया है। इस कार्रवाई के तहत ईडी ने इनकी अवैध संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। बिहार के जिस IPS आदित्य कुमार पर पैरवी के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम लेकर DGP को फोन कराने के आरोप लगे, अब उसी IPS ने पूर्व DGP SK सिंघल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में IPS आदित्य कुमार ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब पूर्व DGP SK सिंघल को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर 30 से 40 कॉल आए, तो उन्होंने इसकी जाँच इंटेलिजेंस एजेंसियों से क्यों नहीं करवाई। आदित्य ने यह भी सवाल उठाया है कि क्यों SK सिंघल ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार या चीफ जस्टिस के PS से संपर्क नहीं किया और अपने फोन का डेटा जांच के लिए नहीं सौंपा। इन बयानों से यह स्पष्ट होता है कि IPS आदित्य कुमार ने DGP द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। भारतीय और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार 19 सितंबर से चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में शुरू हुआ। इस टेस्ट मैच की पहली पारी में भारतीय टीम आज 376 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट में जडेजा बिना रन बनाए आउट हो गए, वहीं बांग्लादेश की बैटिंग की शुरुआत खराब रही। वहीं खबर लिखे जाने तक मात्र 70 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आलोक प्रियदर्शी, सपना कुमारी, संजीव कुमार, दीपक कुमार, अरुण प्रभाकर, नीभा कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, गोनर शर्मा, कुश कुमार यादव, मोहम्मद अरमान, नीतीश कुमार, राजकिशोर महतो, अजय कुमार, अजीत कुमार, रंजीत मिश्रा, नंद कुमार सिंह, मोहम्मद महबूब आलम, अनवर करीम खान, रूपा कुमारी, मुर्तुजा खान, रवि मोहन वर्मा, राकेश मिश्रा, रवि कुमार राम, अमित कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोहम्मद इरफान, बाबूलाल मरांडी, शिवम तिवारी, राम बाबू दास, गोविंदा कुमार, धनु कुमार, मोहम्मद अजमेर, नौशाद रजा, अमित पासवान, राम बाबू दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके हिसाब से शिवदीप लांडे को राजनीति में आना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप बिहारी न्यूज़ देखते रहिए और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करिए। धन्यवाद।